हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ये मेरा वापस आपका मेरे नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मुझे कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे सुझाव दे सकते हैं। ये आज सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई थी तो आते टाइम मुझे फ्लावर्स दिखे, और जब भी मैं फ्लावर्स देखती हूँ ना तो मेरा मन बहुत करता है कि खरीद ही लेती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं घर में फ्लावर सजाना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़े फ्लावर्स लेकर आई थी। इनमें से सारे फ्लावर्स का नाम तो मुझे पता नहीं है, सिर्फ मुझे ये वाइट वाले जो है ये बेबी ब्रेथ कुछ बोलते हैं इनको, बस इतना ही पता है। और ये मेरे पास फ्लावर पॉट है, फिर भी मैं आज इसे ग्लास में डेकोरेट कर रही थी। अच्छा लगता है कभी कभी अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर साइड में टेबल के साइड में रखे रहते हैं, आते जाते उनके ऊपर नज़र जाती रहती है तो बहुत बहुत मन को सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे मैंने ग्लास में फ्लावर्स को अरेंज किया था। मुझे नाम पता नहीं है बस इनके। और फूल वाले भैया ने मुझे वो ग्रीन कलर का जिसमें येलो येलो कलर के छोटे छोटे दाने दाने जैसा है ना, वो डंडी तो ऐसे ही दे दी थी। ये तो इतना प्रीटी है, इतना प्रीटी लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने इसके लिए वो छोटा फिश टैंक यूज़ किया है जो मेरे घर में पड़ा रहता था, तो इसको ये फ्लावर्स को मैंने अपने भगवान जी के पास रख दिया था। तो आते जाते सामने ही है टीवी के बाजू में, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको तो मैंने टीवी के सामने ही रख दिया था कि दिन भर आते जाते इस पे ही नज़र। मेरी पूजा भी हो गई है सुबह की, आज जल्दी हो गया था सारा, तो चली गई थी वॉक करने के लिए। तो आते टाइम फिर फूल ही लेने गई थी भगवान के लिए, तो वहाँ पे ये सारे सारे फूल दिख गए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज कुछ नहीं, थोड़ा सिंपल सा ही खाना बनाऊँगी। रोज कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट दो चार डिश बना लेती हूँ। तो आज सिर्फ अंडा करी बनाऊँगी, और वो भी ये मालवनी मसाला है इसमें बनाऊँगी। इसमें बहुत टेस्टी अंडा करी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। और इसके लिए मैं वही प्याज टमाटर अदरक लहसुन का प्यूरी यूज़ करके, ये आज मैंने अंडा फ्राई भी नहीं किया था। ऐसे तो अंडा हम लोग बॉईल करके फिर तवे पे थोड़ा मसाले में फ्राई करके फिर ग्रेवी में डालती हूँ। मैं अंडा करी बहुत सारे मीन्स दो चार इसके तरीके से बनाती हूँ, तो मगर आज वाले इसमें मैंने वो अंडा फ्राई करके नहीं डाला था। फिर अंडा करी के साथ सोची चपाती बनाऊँ या भाकरी बनाऊँ, तो सोची भाकरी बनाऊँ। भाकरी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये मालवनी मसाला है ना, ये थोड़ा तीखा है, तीखा आता है, तो तीखा सब्जी रहता है ना, तो उसके साथ भाकरी बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं भाकरी ही बनाने वाली हूँ, भाकरी बनाऊँगी और उसके साथ थोड़ा सा चावल बनाऊँगी, क्योंकि अंडा करी है तो पतली सब्जी है ना, तो चावल के साथ वो चली जाएगी, दाल अलग से बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और ये ज्वारी की भाकरी है, ज्वारी बाजरी
ये दो ही आटे की हम लोग भाकरी बना के खाते, तो मेरी भाकरी कंप्लीट हो गई, तीन ही भाकरी बनाई थी। और वो कहते हैं ना हम लोगों में तीन बनाते नहीं है, इसके लिए एक छोटी सी मैंने बना दी थी। तो ये मेरा लंच आज का तैयार हो गया यहाँ पे, और साथ में रख रही हूँ पापड़। तो आइए खाना खाने के लिए। ये उस दिन मैं बाजार गई थी तो मैंने वहाँ से खरीद लिया था, 650 में ये वाला सूट आया है। मुझे मेरे पास वाइट एक भी सूट नहीं था, तो इसका जो दुपट्टा और पैंट का कॉम्बिनेशन था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये थोड़ा सा पतला है, इसके अंदर से स्लीव डालना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे इसका प्रिंट और दुपट्टा और ये पैंट है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और 650 में पूरा सूट आ रहा था, तो और क्या चाहिए भाई, मौज ही हो गई उस दिन मेरी। तो मैंने खरीद लिया। और ये वाले वेस्ट साइड से मैंने चप्पल ले लिए थे, दो चप्पल ले लिए थे एक साथ। मुझे स्लीपर ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे एक अंगूठे में इन्फेक्शन है ना, तो स्लीपर ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और वहाँ पे सेल में ये 99 रुपीज़ में लिपस्टिक आ रही थी, तो दो मैंने खरीद ली। पता नहीं अभी लगाने के बाद पता चलेगा कि इसका शेड कैसा है, कितना टाइम रुकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका रिव्यू। और किस किस के घर में ये बाम्बू प्लांट है, मेरे घर में जितने भी मैं घर के अंदर प्लांट रखती हूँ ना, तो वो एक टाइम के बाद सूखना चालू कर देते, वैसे ही ये बाम्बू प्लांट भी सूख गया था। इसके लिए मैंने इसको आज इतना थोड़ा सा सोची हूँ खिड़की में धूप के लिए रख दूँगी, देखते हैं कुछ बदलाव आता है क्या। और ये आज की मेरी रंगोली है। इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले।